हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, जो जो भाई लोग ड्यूक का फैन बॉय है, केटीएम ब्रांड का फैन बॉय है, सभी के लिए गुड न्यूज है भाई। केटीएम की तरफ से एक न्यूली मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाला है। गाइस, अगर हम इनिशियल स्पीड की बात करें तो एज यूजुअल गाइस, जैसे कि आप जानते हो, केटीएम का जो बाइक होता है गाइस, सेगमेंट किंग होता है। चाहे गाइस अगर हम ड्यूक 200 की बात करें, 390 की बात करें, 790 की बात करें, इवन गाइस 1250 का बात करें। गाइस अगर हम वर्ल्ड का फास्टेस्ट बाइक की बात करें तो दैट इज कावासाकी निंजा H2। आप सुन के चौंक जाओगे गाइस, 1290 जो ड्यूक है, 0 to 100 की अगर हम रेस करें तो इवन H2 भी गाइस 1290 को बीट नहीं कर पाएगा। जी गाइस, उसका एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो इस बार भी गाइस KTM की तरफ से न्यूली एक बीस्ट लॉन्च होने वाला है, दैट इज ड्यूक 490। गाइस अगर हम इस बाइक का लुक्स की बात करें तो इसका फ्रंट से देखें, साइड से देखें, पीछे से देखें, तो ईच एंड एवरी एंगल से गाइस बाइक जो है बहुत ही शार्प बना है KTM ने। एंड गाइस, ईच एंड एवरी एंगल से ये जो बाइक है, इसका सेगमेंट में दूसरा बाइक से आगे रहने वाला है। फ्रंट में इसका टिपिकल ड्यूक वाला जो लुक्स होता है गाइस, वैसे ही केटीएम ने कैरी फॉरवर्ड किया है। गाइस अगर हम इस बाइक का फ्रंट हेडलाइट की बात करें तो फ्रंट में इसके अंदर दोनों DRL कंपनी ने प्रोवाइड किया है, एंड फ्रंट में BYLED प्रोजेक्टर हेडलाइट कंपनी ने डाला है, जो कि पहली बार KTM ने ड्यूक के अंदर इस तरह हेडलाइट प्रोवाइड किया है। एंड जो लुक्स है गाइस, कैसा लग रहा है डेफिनेटली कमेंट करके बोलना। जो हेडलाइट सेटअप है, मेरे को पर्सनली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ गाइस अगर हम इस बाइक के इंडिकेटर की बात करें तो एज यूजुअल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, KTM सभी बाइक के अंदर LED इंडिकेटर प्रोवाइड करता है, एंड इस बाइक के अंदर भी कंपनी ने LED इंडिकेटर प्रोवाइड किया है। गाइस अगर हम इस बाइक का टायर की बात करें तो फ्रंट में 120x60 सेक्शन का टायर आपको मिल जाएगा। अगर हम पीछे का टायर की बात करें तो 160x50 सेक्शन का टायर मिलेगा, एंड कंपनी ने इसके अंदर मेडजिला प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट गाइस अगर हम इस बाइक का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालें तो फ्रंट में इसके अंदर 310mm का डुअल डिस्क मिल जाएगा। गाइस अगर हम पीछे को देखें तो 240mm का सिंगल डिस्क मिल जाएगा। सो ओवरऑल गाइस, जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, जो ग्रिपिंग क्वालिटी है, दैट इज एक्सट्रीमली गुड। नेक्स्ट गाइस अगर हम इस बाइक का सस्पेंशन की बात करें तो जैसे ही गाइस आप लोग जानते हो, KTM का लोअर सेगमेंट का बाइक है, इवन गाइस हायर सेगमेंट का बाइक हो, सभी बाइक के अंदर KTM ने सेम सस्पेंशन प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज ऑल्सो USD फोक्स। सो इसके अंदर 43mm का USD फोक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइस अगर हम इस बाइक का फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 10.5 लीटर का टैंक इसके अंदर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। वैसे भी गाइस, KTM का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है उतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज KTM हमेशा ट्रैक फोकस गाड़ी बनाता है। कंपनी क्लेम कर रहा है अप्रॉक्स 20 से 25 की एवरेज इसके अंदर आपको मिल जाएगा। सो गाइस, फाइनल जो जिस पे आता है, दैट इज इंजन, 490cc डुअल सिलेंडर इंजन इसके अंदर मिल जाएगा। जी गाइस, ये जो बाइक है डुअल सिलेंडर में आ रहा है। इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, दिस इज डुअल सिलेंडर मशीन। अगर हम इस बाइक का पावर फिगर की बात करें, अप्रॉक्स 55 BHP पावर प्रोड्यूस करने वाला है 10,500 RPM, एंड अगर हम टॉर्क फिगर की बात करें तो 39 Nm टॉर्क एट 8,500 RPM। सो बहुत ही आराम से 200+ चला जाएगा ये जो बाइक है। सो गाइस, फाइनल जो चीज पे आता है, जिसके लिए आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, दैट इज प्राइस। अगर हम इस बाइक का प्राइस फिगर की बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्स 5.5 टू 6 लाख के करीब इसका प्राइस होने वाला है। सो मेरे हिसाब से गाइस बहुत ही सही है। अगर हम इस बाइक का इसका सेगमेंट वाइज कंपेयर करें तो इसका सेगमेंट में गाइस एक ही बाइक आता है, दैट इज निंजा 400। तो अगर गाइस KTM ने इसको 6 लाख के अंदर प्रोवाइड कर दिया तो दैट विल बी वेरी गुड डील फॉर अस, बिकॉज गाइस इसका जो पावर है वो भी निंजा से ज्यादा होने वाला है। साथ ही साथ गाइस अगर हम इस बाइक का प्राइस को कंपेयर करें तो वो भी गाइस कावासाकी से कम होने वाला है। बट गाइस एक चीज से, कावासाकी से इसको हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, तो दैट इज इसका रिफाइनमेंट। उसका कंपेयर ये जो बाइक है कभी नहीं कर पाएगा, बट डेफिनेटली गाइस अगर हम प्राइस वाइज देखें, पावर वाइज देखें, कावासाकी से कंपेयर कर सकता है। तो गाइस इस बाइक के बारे में आपका क्या राय है डेफिनेटली कमेंट करके बोलना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। सी यू सून, बाय बाय, लव यू।